जेल निरीक्षक तक नहीं पहुंची थी और इस वजह से तलवार दंपत्ति की रिहाई शुक्रवार को टल गई और आज रिहाई होने जा रही है। फिलहाल किस तरह की हलचल दासना जेल के बाहर बनी हुई है, कितने बजे रिहाई होगी, जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता जितेन भाटी, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जितेन काम रुक करते हैं, जितेन कितने बजे रिहाई संभव होने वाली है? एक बहुत बड़ा दिन है, आरुषि मर्डर केस में दोषी जो पाए गए थे तलवार दंपति, उनकी अब आरोपों से बरी होते हुए आज रिहाई। देखिए मैडम, आपको बता दें दासना जेल पे इस समय मौजूद है और यहाँ पर जो नूपुर तलवार है, राजेश तलवार है, उनके तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको रिहाई मिलेगी। हालांकि आज उनको रिहाई मिल जाना तय है कि दो दिन की छुट्टियां पड़ गई थी, फिर दो कुछ ऐसे जो शुक्रवार को पहुंच जाना था, शुक्रवार को उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी, उसका दो दिन की छुट्टियां पड़ गई थी। लेकिन जो इलाहाबाद से हाईकोर्ट के आदेश आए थे उसके बाद वो आदेश यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन उनको जो रिहाई मिलनी थी वो तय नहीं हो पाई और उसके बाद दो दिन की छुट्टी पड़ गई। लेकिन आज जो फाइनली आज उनको रिहाई हो जानी है और इसमें काफी खुशी देखने को मिली। उनके रिश्तेदार भी इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया कि हम बात बेहद खुश है और कानून पर हमें पूरा विश्वास था। हालांकि अभी ये पशुपेश की बात है और बड़ा एक बड़ी बात बनी हुई है, बड़ी एक संदेह बना हुआ है कि आखिर आरुषि की हत्या हुई और हेमराज की हत्या हुई। जितेन कोई वक्त पता लग पाया है कि दलवार दंपति की रिहाई किस वक्त हो सकती है? देखिए अभी कार्यालय में काम चल रहा है और डॉक्यूमेंटेशन तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी रिहाई होना भी आज के दिन रिहाई जरूर हो जाएगी, लेकिन होते होते 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय लग जाएगा। लेकिन अभी जो है कार्यालय में कार्रवाई की चल रही है, कागज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जो अभी दासना जेल है, दासना जेल के बाहर नूपुर तलवार और राजेश तलवार के जो रिश्तेदार है वो पहुंच गए हैं और उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिला है। जी किसी तरह की कंडीशन तक की गई है, क्योंकि खबर इस तरह की भी थी जितेन की उन्हें बीच बीच में आना पड़ेगा और एक डेंटिस्ट होने के नाते वहाँ कैदियों के उपचार भी करना होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कैदी नंबर 93 और 9342, कैदी नंबर 9342 यानी जो राजेश तलवार है उनका ये नंबर था और ये जो दासना जेल है उसके अंदर डेंटिस्ट का काम कर रहे थे। जो कैदी है वहां पर उनका दांत देखा करते थे और उनका उपचार किया करते थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो डॉक्टर का काम कर रहे थे तो इनको ये कहा गया है, आग्रह किया गया है कि अगर वो आए तो यहाँ पर आके जो कैदी है उनका चेकअप कर सकते हैं। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आए या ना आए, लेकिन अभी उनको ये भी कहा गया है। और आपको बता दें कि जो नूपुर तलवार है उनके भी काफी रिश्तेदार पहुंच गए हैं, वो बेहद खुश है और साथ ही साथ जी जितेंद्र हमारे संवाददाता बताते हुए कि वहां पर नूपुर तलवार और जो उनके पति हैं दोनों ही तलवार दंपति की रिहाई को लेकर परिजन काफी खुश हैं, परिजन पहुंच चुके हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डॉक्यूमेंटल जो वर्क होता है वो अभी चल रहा है। जितेन लगभग कितना वक्त लगता है इस कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई को पूरा होने में? देखिए यूं तो ये कागजी कार्रवाई हाईकोर्ट से हो गई है और उसके बाद यहाँ पर कागजी कार्रवाई जो होनी थी वो यहाँ बाकी है। जिस तरीके से जैसे ये तलवार दंपत्ति कितने दिन यहाँ पर रहे हैं, क्या क्या उनका यहाँ पर सामान था, कितना सामान को लेके जाना है, जिस तरीके से जो सामान उन्होंने यहाँ पर रखा था, इतने दिन यहाँ पर उन्होंने काम किया, उनका क्या जो दासना जेल से उनका क्या भुगतान निकलता है, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पर काम किया जाएगा। और उसके बाद जो कागज तैयार किए जाएंगे वो तकरीबन 4 से 5 बज जाएंगे और 4 से 5 बजे के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। आज ही रिहाई होनी है और इसको देख के काफी वहां पर खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी एक और बात जो बड़ी बात है देश के लिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरुषि हत्या कांड आखिर किसने किया, हेमराज की हत्या आखिर किसने की, अभी बात बिल्कुल ये सवाल सभी के जहन में है और प्राइम न्यूज भी लगातार इसी तरह से जुड़े हुए कई सवाल पूछ रहा है। जितेंद्र आखिरी सवाल इस खबर से जुड़ा हुआ, हालांकि बीच में आपसे अपडेट्स जरूर लेते रहेंगे क्योंकि देश की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि तलवार दंपति रिहा हो रहे हैं। शुक्रवार को ये रिहाई होनी थी लेकिन टल गई और आज माना जा रहा है कि 4 से 5 बजे तक रिहाई हो ही जाएगी। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है वो पूरा किया जा रहा है। जितेन क्या जानकारी निकल कर आई है, जेल के अधीक्षक या निरीक्षक वहां के तमाम जो जेलर होते हैं उनसे बातचीत हुई हो कि सुबह से लेकर अब तक क्या किया है तलवार दंपत्ति ने और किसी तरह की प्रतिक्रिया उनकी कैदियों से बातचीत के दौरान?
बिल्कुल, वो जो अपने जो उनके साथी कैदी थे उनसे बात की है उन्होंने, और काफी खुश है, दोनों ही तलवार दंपत्ति काफी खुश है, राजेश तलवार और नुपुर तलवार बेहद खुश नजर आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो जो अपने साथी कैदी हैं उनसे मिलते नजर आए हैं, और जो वो आज उनकी रिहाई होनी है तो वो इस बारे में बात बेहद खुश है, अपने रिश्तेदारों से भी उन्होंने बात की है। अभी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और उसके बाद 4 से 5 बजे वो रिहा हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दासा जेल के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राजेश तलवार चाहे तो यहाँ पर कैदियों का उपचार करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जितिन एक जानकारी और निकल कर सामने आ रही है, यहाँ पर सीधे सीधे राजेश तलवार ने कहा है कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि पहले जब पेशी के दौरान उन पर हमला हुआ था उनको खरोचे भी आई थी, चोटें भी आई थी, और अभी भी वो इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि उनको जान का खतरा है। किसी तरह की सुरक्षा मिल सकती है, मिल सकती है आगे, या फिर क्या और चीजें निकल कर सामने आ रही है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, राजेश तलवार को अभी जान से खतरा, उन्होंने ये जाहिर किया है कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि एक बार पेशी के दौरान उनको एक मानसिक विकृत एक युवक ने उन पर जानलेवा हमला किया था, उनके फर्जे से उनके फेस पे अटैक किया था उस युवक ने, हालांकि उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। गाजियाबाद कोर्ट का मामला है, सरेराय इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि जो चलिए जितिन हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपने दर्शकों को ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई दे दें। अभी फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की कॉपी है वो पहुंच चुकी है जेल अधीक्षक के पास। माना जा रहा है कि 2 से 4 घंटे बाद आरुषि के मम्मी पापा यानी कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार रिहा कर दिए जाएंगे, बेल बॉन्ड उनकी तरफ से साइन किया जाएगा, कुछ शर्तें हैं जो कि उन्हें माननी होंगी। और इसी के साथ राजेश तलवार ये आशंका जाहिर कर चुके हैं कि उनको जान का खतरा है, क्योंकि 2011 में भी पेशी के दौरान जब वो कोर्ट जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया था जिसमें उनको चोटें भी आई थी। अब वो ये भी चाहते हैं कि मीडिया उनसे कोई सवाल ना करे, मीडिया वहां पर ना पहुंचे, हालांकि हलचल जरूर डासना जेल के बाहर तेज हो गई है, उनके परिजन भी इकट्ठा होना